महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच शनिवार को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एनसीपी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया। महाराष्ट्र में अचानक बदले इस राजनीतिक समीकरण पर जनता के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं। लगभग हर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले प्रकाश राज ने भी महाराष्ट्र के मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र केवल एक भ्रम है जिसमें लोगों को लगता है कि पावर उन्हें मिल रही है, लेकिन असल में यह एक व्यवस्थित तरीका है जिससे लोग अपनी शक्ति को कुछ लोगों में बांटते हैं और बदले में इस पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। नागरिकों को क्या इसके साथ हम ठीक हैं? बता दें, प्रकाश राज ने बॉलीवुड एक्टर अतुल कुलकर्णी के ट्वीट को पोस्ट किया था। प्रकाश राज के इस ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और 24 अक्टूबर को परिणाम आए थे। चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। किसी भी पार्टी या गठबंधन के सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने के बाद 12 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।